उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जोरों शोरों पर चल रहा है। इसके पहले चरण में नोएडा विधानसभा के प्रत्याशी पंकज सिंह घर घर प्रचार करने पहुंचे। इसके साथ ही उनके साथ सांसद मनोज तिवारी भी नोएडा होते हुए कई गलियों और मोहल्लों में प्रचार के लिए पहुंचे। डोर टू डोर होने वाले इस कैंपेन में मनोज तिवारी जैसे ही नोएडा की एक गली में घुसते हैं, उनका विरोध होने लगा है। जम के उनके विरोध में उन्हें जूते भी दिखाए जा रहे हैं। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो सेक्टर 17 की झुग्गियों के पास का है, जहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और एक वोटर ने उन्हें जूता दिखाकर बाहर जाने का इशारा किया और फिर उसके बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे जोर जोर से लगने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर अभी तक मनोज तिवारी का कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से नहीं आई है, लेकिन जूता दिखाकर इसका विरोध करना बहुत ही शर्मनाक बात आई है। इस वीडियो में अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए एक महिला भी उन्हें सैंडल दिखाती हुई नजर आई। बावजूद इसके मनोज तिवारी श्रमिक कुंज सेक्टर 66, सेक्टर 71 और सेक्टर 82 में डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह को भारी मतों से जीतने की अपील लगातार कर रहे हैं। वहीं नोएडा के जे कॉलोनी में पूर्वांचल बिहार के लोग भारी संख्या में रहते हैं, ऐसे में मनोज तिवारी को वहां पर उतारा गया था कि वो डोर टू डोर प्रचार करके पंकज सिंह के समर्थन में वोट मांगे।